अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज लर्न टू अर्न जो सीरीज़ है उसके अंदर बेसिकली जो टॉपिक है वो आप लोगों ने देख लिया होगा, जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर मैं डिस्क्राइब करूँगा। सो पहले हम बेसिकली जॉब को देख लेते हैं, बिकॉज जॉब जो है वो ऑलमोस्ट 80-85% लोग जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो जॉब से कनेक्टेड होते हैं। सो इसलिए ये चीज़ें जो है, ये बेसिकली ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। बेसिकली लोग फ्रीलांसिंग को प्रेफर कर रहे हैं, लोग इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, बट स्टिल एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है जो जॉब कर रहा है। तो इसलिए जॉब को डिस्क्राइब करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब जॉब की बात आती है तो कैरियर, जब इंसान एजुकेशन लेता है तो उसका, या एजुकेशन नहीं भी लेता तो भी उसका जो एक फैक्टर होता है वो होता है जॉब से कनेक्ट होना या जॉब करना। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जॉब को डिस्क्राइब करने के लिए, मैं आप लोगों को कहूँगा कि जॉब जो है वो बेसिक दो पार्ट्स के अंदर होती है। एक होती है ब्लू कलर जॉब और एक होती है व्हाइट कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब जो है वो क्या है? ब्लू कॉलर जॉब वो है कि जो इंसान पढ़ाई किए बगैर स्टार्ट कर सकता है। लेट्स सपोज कोई इंसान जो है वो कार मैकेनिक के पास जो है वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है एट द एज ऑफ 8, 9, 10 ईयर्स। ठीक है, वो 4, 5, 6 साल, 10 साल जो है वो वहाँ पर कार मैकेनिक जो है, ऑटो मैकेनिक जो है उसका काम सीखता है और वो फिर उस्ताद जी बन जाते हैं। ठीक है, एंड देन इसी तरह और बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स एंड कपड़े की दुकान या सुनियारे की दुकान। इस तरीके से जो बच्चे पढ़ाई के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते, या वो फैमिलीज जो जिनके घरों के अंदर 4, 5, 10 लोग होते हैं तो वहाँ पे पढ़ाई हर एक को मयस्सर आना जो है वो पॉसिबल नहीं होती। तो इसलिए उनको जो है वो इस किस्म की, जिसको हम ले मैन जॉब्स भी कह सकते हैं या और जॉब्स भी कह सकते हैं, वो वहाँ से स्टार्ट ले लेना पड़ता है। अब इसके अंदर बेसिकली कोई बुराई नहीं है, इट्स नॉर्मल थिंग। और बिल्कुल जिनके पास एक एक विजन होता है उनका, उनको पता होता है कि अगर हम एक बच्चे को स्कूल में दाखिल भी करते हैं तो 8 क्लासों के बाद या 10 क्लासों के बाद हम इसको पढ़ा नहीं पाएंगे, या सारी एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो इसको दे नहीं पाएंगे। तो उससे बेहतर उनको ये ऑप्शन लगता है कि हम इसको किसी काम के ऊपर, किसी जगह पर कनेक्ट कर दें जहाँ पे ये कुछ सीख सके और दुनिया में अपने आप को इस काबिल बना ले कि दुनिया या सोसाइटी के ऊपर बोझ मत बने और अपने पाँव पे खड़ा हो और अपना गुजर बसर कर सके। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ ब्लू कॉलर जॉब्स। सो अब आ जाते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब्स वो है जिसको मैं जो है वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ, एक प्योर व्हाइट कॉलर जॉब और एक सेमी व्हाइट कॉलर जॉब। देखें, प्योर व्हाइट कॉलर जॉब वो होती है जो एग्जेक्टिव लेवल के ऊपर स्टार्ट होती है, I mean, जहाँ पे सैलरीज जो है वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक होती है। ठीक है, और सेमी व्हाइट कॉलर जॉब जिसको मैं कहता हूँ, उसके अंदर ये होता है कि 20,000, 25,000, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये तक की जो जॉब होती है उसको आप स्टिल यू कैन से व्हाइट कॉलर जॉब, के एक इंसान जो है वो अच्छे कपड़ों में ऑफिस जाता है या अच्छे कपड़ों में कहीं भी फैक्ट्री में जाता है, ऑफिस में जाता है, और उसी कपड़ों में जो है वो वापस आ जाता है। वहाँ पे उसका काम जो है वो ऑफिस में या तो कंप्यूटर पे है, या किताबचे लिखना है, मतलब है इन एंड आउट इन्वेंट्री लिखना है, स्टॉक टेक करना है, इस किस्म की जो जॉब्स हैं तो वो स्टिल आप उसको वाइट कॉलर जॉब कह सकते हैं। बट टू मी इट्स लाइक सेमी वाइट कॉलर जॉब। तो ये वो चीजें हैं। अब जब इंसान जॉब के ऊपर जाता है तो जॉब के अंदर तीन कैटेगरीज होती हैं बेसिकली। ठीक है, एक जो वेल एजुकेटेड यूनिवर्सिटीज या वेल एजुकेटेड यूनिवर्सिटीज और उसके बाद तालीमी इदारों से पढ़कर आए हुए लोग होते हैं, जिनको आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे लास्ट सेमेस्टर के अंदर, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हैं, चाहे आप पीएचडी कर रहे हैं,
तो वहाँ पे जब उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा होता है एजुकेशन का या पढ़ाई ख़त्म करने का, तो उसी टाइम बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, जो डीन्स हैं, जो वहाँ के वाइस चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उन लोगों ने कुछ बड़ी कंपनीज के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए होते हैं कि भाई हमारी जो जॉब, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जैसे ही क्वालिफाइड होंगे, जैसे ही एक हाथ में उनके डिग्री आएगी, तो आप लोगों ने यहाँ पर आना है, उनका इंटरव्यू करना है और उनको जॉब प्रोवाइड करनी है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं, आई डोंट वांट टू नेम इट एनीवन, बट बहुत सारी कंपनीज हैं जो यूनिवर्सिटीज में जाती हैं और वहाँ पर देखती हैं कि जो स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे जीपीएस के साथ जो है, अच्छे रिजल्ट्स के साथ वहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो वहाँ से उनको हायर कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि एक फ्रेश ग्रेजुएट या एक फ्रेश मास्टर्स डिग्री वाला इंसान उनको मिल जाएगा, तो उनकी जो एम्पावरमेंट है या उनका जो बेसिकली निज़ाम है वो थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाएगा, थोड़ा सा और प्रोफेशनल वे में चला जाएगा। फिर वो कुछ इंटर्नशिप कर रही होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इंटर्नशिप करती हैं, तो वो वहाँ पे उन यूनिवर्सिटीज के अंदर, उन इदारों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर बेसिकली जो है वो वर्कशॉप और इस किस्म के सेमिनार्स करती रहती हैं कि जहाँ पे उन लोगों को इंटर्नशिप का मौका मिलता है, और 3 महीने 6 महीने वो लोग इंटर्नशिप करते हैं, बल्कि 1 साल तक की भी इंटर्नशिप होती है, तब वो इंटर्नशिप करते हैं, तो मतलब है कि उनको काम सिखा दिया जाता है कि आपने एज ए बैंकर क्या करना है, आपने एज ए ऑडिटर क्या करना है, आपने एज ए इंजीनियर क्या करना है, आपने एज ए प्रैक्टिस डॉक्टर क्या करना है, आपने एज ए प्रैक्टिस जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें जब उनको सिखा दी जाती हैं, तो वो लोग जब अपनी जॉब की पहली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तो उनको एक अच्छा पैकेज मिल जाता है जिसकी स्टार्टिंग शायद 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए से हो जाती है। तो ये एक जो है वो कैटेगरी है। अब आ जाते हैं सेकेंड कैटेगरी के ऊपर। सेकेंड कैटेगरी में वो लोग हैं जो मिडिल क्लास यूनिवर्सिटीज से या मिडिल क्लास इदारों से जो है वो पढ़ के आए हुए होते हैं। इसमें गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं या प्राइवेट इदारे भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये वो लोग हैं बेसिकली जो एजुकेशन के लिए एजुकेशन हासिल तो पूरी करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके हालात उनको इस किस्म की इजाज़त नहीं देते कि वो बहुत आला मेयार की एजुकेशन हासिल कर सके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग बजट ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे उनका सेमेस्टर फीस उनके फादर या उनकी फैमिली में जो भी उनको अफोर्ड कर रहा है उनके पॉकेट के हिसाब से। अब उसमें क्या होता है कि उसमें उस जो ये सेकंड टाइप के लोग हैं, इनके अंदर आप मेजॉरिटी, आई मीन मैंने पर्सनली एक एक्सपीरियंस किया है कि 80% लोग जो हैं वो अगर इंजीनियरिंग की डिग्री लेने की कोशिश कर रहे हैं या अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं या जो है वो मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो उनकी जो एग्जैक्ट फील्ड होती है 5 साल बाद वो उस फील्ड में आपको नजर नहीं आएंगे। क्यों? उसकी रीजन ये है कि जब वो उस फील्ड में जाना की कोशिश करेंगे तो उस फील्ड में ऑलरेडी वेरी टफ कंपटीशन है, और इनकी जो एजुकेशन या इनकी जो डिग्री का मेयार है वो उस लेवल के ऊपर नहीं आ रहा होता, तो अब इनको उस कंपटीशन को फेस करते हुए बड़े चैलेंजेस आते हैं, तो ये वहां पर गिव अप हो जाता है। क्यों? घर का किचन चलाना है, घर का दाल दलिया चलाना है, तो उसलिए फिर इनको कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मेडिकल रैप की सूरत में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल्स एंड मार्केटिंग की शक्ल में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं एज ए असिस्टेंट जो हैं वो ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो इस तरीके से अपने आप को कहीं ना कहीं लोग एडजस्ट कर लेते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है वो बेसिकली उन लोगों की है जो हार्डली मिडल या मैट्रिक या एफए तक पढ़ सकते हैं। अगेन इनका भी प्रॉब्लम जो है मेजॉरिटी का फाइनेंशियल इश्यूज ही आता है, और फाइनेंशियल इश्यूज जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एजुकेशन सेक्टर को लेकर। और क्यों? क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं इस चीज को मॉनिटर कर रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद जब स्टूडेंट लेवल के ऊपर ये चीजें देखता था कि पढ़ाई के एक्सपेंसेस जो थे वो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, एंड लवाजमात जिनको मैं कहूँगा वो भी बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो आपकी स्टेशनरी है, चाहे वो आपकी
सेकंड स्पोर्ट ऑफ एजुकेशन है, यानी कि ट्यूशन सिस्टम है आपका, या आपका जो बेसिकली जो है वो गेट टुगेदर है स्टूडेंट्स वाइज, आजकल वो डेली बेस के ऊपर, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो दोस्त जो है वो कोशिश करते हैं कि वीकेंड के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं गेट टुगेदर करें, और ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं गेट टुगेदर जो है वो किसी ना किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में भी अगर हो रहा है तो ऑफ कोर्स उसकी कोई 500 हज़ार या 2 हज़ार रुपये कॉस्ट आती है, तो वो सब लोग जब 4-5 लोग डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसका एक कॉस्ट इफेक्ट होता है पूरे मंथ के ऊपर। सो इसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कंप्रोमाइज हो जाती है और बाकी चीज़ों के अंदर इंसान लग जाता है और वो अपनी एजुकेशन को अच्छे तरीके से कर नहीं पाता। सो ये तो मैंने आपको जॉब की सिनेरियो बताए। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 80-85% पूरे वर्ल्ड में अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्वेज ये रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सिर्फ 15% है, यानी कि 15% लोग उसमें से सेटिस्फाई हैं, बाकी तकरीबन 80-85% लोग जो हैं वो अनसेटिस्फाई हैं। अगर उनको मौका दिया जाए किसी और जगह पे शिफ्ट होने का या मौका दिया जाए किसी अपॉर्चुनिटी का तो दे आर विलिंग टू चेंज। अब ये सारा ओवरऑल जो मैंने आपको स्टोरी जो है लमसम स्टोरी आपको जो सुनाई है जॉब की, एजुकेशन सिस्टम की थोड़ी बहुत, बट आई नेवर नेम्ड एनीवन बिकॉज हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है, एंड यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस और ऑफ कोर्स वो भी एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है जहां पर रेवेन्यू को जो है वो कंसीडर किया जाता है। अब रेवेन्यू जब कंसीडर होगा तो ऑफ कोर्स उसके अंदर एक लास्ट चीज जो आ जाती है, जो शायद कुछ लोग मेरी बात से एग्री मत करें लेकिन मेजॉरिटी लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस एंड प्राइवेट और गवर्नमेंट इदारे हैं, दे नेवर थिंक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज दे आर एजुकेटिंग देयर यूथ। क्यों? क्योंकि वो अपनी अगली जनरेशन को, अपनी यूथ को जो है वो अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए उनके अंदर शऊर पैदा कर रहे हैं। एजुकेशन का मतलब जो है वो शऊर पैदा करना है बेसिकली। टू मी डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स डिग्री इंपॉर्टेंट है, बट सेम टाइम शऊर पैदा करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो इदारे जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर गौर करेंगे तो वो उसके मेयार के ऊपर कंप्रोमाइज कर देंगे, जिसका रिजल्ट जो है वो हम लोगों के सामने नजर आ रहा है। तो ये एक चीज हो गई जॉब ओरिएंटेड चीज। अब आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी थोड़ी सी आपको मैं हिस्ट्री भी बताता दूँ और उसके बाद उसके अंदर लोग क्यों इजीली एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, या क्यों लोग समझते हैं कि ये उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो अब से नहीं है, सदी एक ऑलमोस्ट सदी हो गई है, पूरे 100 ईयर्स के करीब इसको हो गए हैं। ये वेस्ट से जो है वो स्टार्ट हुई, यानी कि यूएस से इसने अपने इनिशियली स्टार्टअप लिया और उसके बाद ये ऑलमोस्ट अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक टॉपिक बन चुका है डिस्कशंस का, एंड एक पूरी इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार करती जा रही है। दूसरी चीज क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बेसिकली स्टार्ट क्यों हुई? नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट इसलिए हुई कि कुछ कंपनीज जो थी उन्होंने एक वे फाइंड आउट किया अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर्स तक या एंड यूजर्स तक पहुंचाने का, और आसान तरीका ढूंढा। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग की इन्वेंशन जो है वो स्टार्ट हुई। एंड सेकंड चीज जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग आज के दौर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो डिप्लोमा की शक्ल में और जो डिग्री की शक्ल में, प्रोग्राम्स की शक्ल में इस नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ा रहे हैं। अब ऑफ कोर्स जब भी कोई चीज नई मार्केट के अंदर लॉन्च होती है, जैसे कंप्यूटर साइंस, आई बिलीव आज से 20 साल पहले कंप्यूटर साइंस जब स्टार्ट हुआ तो उसको कुछ एक्सेप्टेंस थी और कुछ रिजेक्शंस भी थी, लेकिन आहिस्ता 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 करते करते पिछले 10-15-20 सालों के अंदर
वो ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबल टू एवरीवन हो गई। सो इसी तरह जिस तरह बैंकिंग इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी डॉक्टरीज हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनके रेवोल्यूशंस अगर आप पढ़ेंगे तो वो कल के दौर में, यानी कि पिछला जो एतवार था उसके अंदर वो रेवोल्यूशन कंसिडर किया जाता था, लेकिन आज के दौर में वो नेसेसिटीज बन गई। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो रेवोल्यूशन समझा जा रहा है, लेकिन आने वाले दौर में ये नेसेसिटी बन जाएगी। ये वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ ये आप लोग नोट कर लें, इसके ऊपर भी आप लोग रिसर्च कीजिएगा, ढूंढिएगा कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अब है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जिनका हजम बड़ा होता है, जिनका वॉल्यूम बड़ा होता है, जिनकी कैपेसिटी बड़ी होती है। तो वो कंपनीज क्या करती हैं, लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने का या लोगों को अपने पे रोल के ऊपर लेके आने का, पे रोल मीन्स के वो इनकम ऑफ कोर्स उनको देते हैं, तो वो पे रोल के ऊपर लेके आने का एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ होता है। तो उस सिस्टम के अंदर लोगों को बेसिकली वहां से इनकम मिलती है। सो अब वहां पर क्या है कि लोग ज्वाइन इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सम कंपनी जो है उनकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती, उनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक फ्रेश इंसान के लिए अगर उसकी सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है, अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो रहा है, अगर उसका बेसिकली जो आप कह सकते हैं कि वे ऑफ टॉक कम्युनिकेशन के अंदर ही आएगा, लेकिन अगर अच्छा हो रहा है एंड उसको जो है वो बेसिकली कोई प्रोफेशनल स्किल्स मिल रहे हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स उसके अंदर आ रहे हैं, उसको जो है वो टेक्नोलॉजीज उसके स्किल्स जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न करने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर आजकल के दौर के अंदर सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया के अंदर बेशुमार छोटे छोटे या बड़े बड़े जो हैं वो नेटवर्क्स हैं, या जैसे आप इंस्टाग्राम को ले लें, लिंक्डइन को ले लें, ट्विटर को ले लें, फेसबुक को ले लें, यूट्यूब को ले लें, ये बहुत बड़े जाइंट्स हैं जिनके जिनको सीखना पड़ता है, और वहाँ पे जो है ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सिखाई जाती हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो इस तरीके से लोगों को हेल्प आउट करती है, और लोग इसको इजीली अडॉप्टेबल समझते हैं। एंड देन जॉब की बनिस्बतन इसके अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो सकती है। लेट्स सपोज एक इंसान जो अपनी 30 से 40 साल की जिंदगी में पूरी सैलरी के अंदर इनकम जनरेट करता है, वो इनकम वो नेटवर्क मार्केटिंग में 3 से 5 साल के अंदर जो है वो जनरेट कर सकता है, कमा सकता है। तो ऑफ कोर्स आज के दौर में जब हर चीज जो है वो एक फास्ट मोड के अंदर चली गई है, जहाँ खाना जो है वो खाने से ज्यादा फास्ट फूड की तरफ जा रहा है, जहाँ जो टीवी क्रिकेट मैचेस हैं, क्रिकेट मैचेस, टेस्ट मैचेस, जहाँ वो 5 दिन के होते थे, वो वहाँ शिफ्ट होकर 10 10 आवर्स के हो गए हैं, जो कि 5 से 6 आवर्स के अंदर, घंटों के अंदर खत्म हो रहे हैं। सो वहाँ पे टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो इसलिए लाइफ के अंदर ये चीज़ों को कंसिडर करते हुए लोग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेफर करना शुरू हो गए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को एक फील्ड के तौर के ऊपर, एक इंडस्ट्री के तौर के ऊपर एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं, और इसके अंदर बहुत सारे लोग इजीली, आप यूरोप के अंदर अगर सर्वे करें, यूरोप के अंदर जितने भी आपको कंट्रीज नजर आएंगे वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो ऑलमोस्ट पिछले 30 से 40 साल के अंदर एक इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार कर गया है। लोग प्राउडली जो है वो बताते हैं कि जी हम नेटवर्क मार्केटिंग के साथ अटैच हैं, एंड वो अपना नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बिल्ड कर रहे होते हैं। सो ये थोड़ा सा ओवरऑल जो मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता सकूं, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट एवरीथिंग विच यू कैन लर्न। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में मैं भी आपसे डिस्क्राइब करूंगा, आपको बताऊंगा, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है अच्छी से अच्छी नॉलेज जो है वो हासिल करने के लिए सर्च करें, रिसर्च करें और स्टडी करें, बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट योर कैरियर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू एवरीवन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती जाएं। और मैंने एक सीरीज का सिलसिला स्टार्ट किया है जिसका नाम है लर्न टू अर्न, कि आप जितना लर्न करते हो इतना ही इससे ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर लर्निंग, जितने आपके स्किल्स अच्छे होंगे, जितने आपकी
के अंदर नॉलेज होगा उतनी आपको पावर मिल जाएगी पैसे कमाने की। तो पैसा कमाना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल से मनी इज नियर टू ऑक्सीजन एंड वी ऑल नीड ऑक्सीजन 24/7। सो आई बिलीव कि ये मेरी वीडियोज जो है वो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल मिले, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू, टेक केयर। पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह हाफिज़।